यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। रोहतांग दर्रे में पर्यटकों को बर्फ का दीदार करना चुनौती भरा हो गया है। दर्रे में भेजने के नाम पर मनाली में लूट मची हुई है। उपमंडल अधिकारी मनाली कार्यालय के इर्द गिर्द दलाल घूमते रहते हैं और मौका मिलते ही बर्फ दिखाने को लेकर सैलानियों को भारी चूना लगा रहे हैं। एनजीटी के आदेशानुसार हालांकि प्रशासन ऑनलाइन परमिट प्राप्त 400 डीजल इंजन और 800 पेट्रोल इंजन वाहनों को ही रोहतांग जाने की अनुमति दे रहे हैं, लेकिन लाहौल और लेह के लिए 800 वाहनों को ऑनलाइन परमिट प्राप्त करने की व्यवस्था है। जबकि ऑनलाइन परमिट खत्म हो जाने के बाद एसडीएम कार्यालय में भी कुछ वाहनों को परमिट दिए जा रहे हैं और हैरानी की बात यह है कि 1500 के लगभग वाहन मनाली से लाहौल और लेह के नाम से जा तो रहे हैं, लेकिन 80% वाहन रोहतांग दर्रे से ही वापस आ रहे हैं। प्रशासन ने शर्त रखी है कि लाहौल में बुकिंग करने के बाद ही सैलानी परमिट प्राप्त कर सकते हैं और इसी शर्त का फायदा उठाते हुए कई दलाल सैलानियों को फर्जी होटल बुकिंग की स्लिप देकर मनमाने दाम वसूल रहे हैं।